हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में अम्ब्रेला गाउन की कटिंग और स्टिचिंग करना बताएंगे बिल्कुल आसान तरीके से। मैंने 4.5 मीटर का ऑर्गेंजा फैब्रिक लिया है और 3.5 मीटर का इनर फैब्रिक लिया है। पहले मेन फैब्रिक पर गाउन के टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। मेन फैब्रिक को ओपन करेंगे और गाउन के टॉप पार्ट के लिए फैब्रिक को कट कर लेंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है। ये ओपन साइड है और ये फोल्डेड साइड है। गाउन के टॉप पार्ट की रेडी लेंथ 14 इंच है। 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन के लिए, वह दोनों साइड सिलाई में चला जाएगा। तो गाउन के टॉप पार्ट की लेंथ 15 इंच ले ली है और इसके दूसरी साइड भी 15 इंच ले ली है, यानी गाउन के टॉप पार्ट की लेंथ 15 इंच ले ली है। अब शोल्डर की मार्किंग करेंगे। फोल्डेड साइड से शोल्डर 7 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब इस मार्किंग पर टेप रखेंगे। आर्म होल भी सेम 7 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से भी 7 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब दोनों पॉइंटों को मिला देंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 3 से 4 इंच आगे की साइड बढ़ा देंगे। अब इस कॉर्नर पर टेप रखेंगे और 1.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब राउंड शेप में बैक आर्म होल की शेप दे देंगे। फ्रंट आर्म होल के लिए अंदर की साइड 1/2 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल और बैक आर्म होल दोनों की मार्किंग कर ली है। अब फिटिंग की मार्किंग करेंगे। जैसे फिटिंग है 32 इंच, तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंच आएगा। फोल्डेड साइड से 8 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब कमर की फिटिंग की मार्किंग करेंगे। जैसे कमर है 28 इंच, तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब फिटिंग की दोनों मार्किंग को मिला लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब मार्जिन की मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग से 2 इंच आगे की साइड मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से भी 2 इंच आगे की साइड मार्किंग कर लेंगे। अब मार्जिन की दोनों मार्किंग को मिला लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब नेक की मार्किंग करेंगे। फोल्डेड साइड से नेक विड 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। शोल्डर की 1/2 इंच डाउन मार्किंग कर लेंगे। अब दोनों पॉइंटों को मिला लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। गाउन के टॉप पार्ट की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज इसकी कटिंग कर देंगे। बैक आर्म होल से इसकी कटिंग करेंगे और बाद में फ्रंट वाले पार्ट को अलग करके फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देंगे। गाउन के टॉप पार्ट की कटिंग कर ली है। अब इसमें से बैक वाले पार्ट को अलग निकाल देंगे। फ्रंट पार्ट को सेंटर से फोल्ड कर लेंगे। अब इसके आर्म होल की कटिंग कर देंगे। मार्किंग ऑलरेडी कर रखी है, एज इट इज़ इसकी कटिंग कर दी है। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर रखा था, तो गाउन के टॉप पार्ट के दोनों पार्ट के एक साथ कटिंग कर लिया है। अब इनर पार्ट की कटिंग करेंगे। इनर फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है। ये ओपन साइड है और 4 लेयर में है और इसकी दूसरी साइड फोल्डेड साइड है। अब इसके ऊपर बैक वाले पार्ट को सेट कर लिया है। फोल्डेड साइड फोल्डेड वाला पार्ट रखा है। अगर आप बिगनर्स हैं तो पहले आप इसको पिनअप कर लें, उसके बाद मेन फैब्रिक के बिल्कुल बराबर मार्किंग कर लें। अब मेन फैब्रिक को हटा लेंगे। इनर फैब्रिक पर फ्रंट आर्म होल के लिए अंदर की साइड 1/2 इंच की मार्किंग कर लेंगे। अब बैक आर्म होल से और जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज़ इसकी कटिंग कर देंगे। इनर फैब्रिक की भी कटिंग कर ली है। अब इसको ओपन कर लेंगे। अब इसमें से बैक वाले पार्ट को अलग निकाल देंगे। फ्रंट पार्ट को सेंटर से फोल्ड कर लेंगे। अब इसके फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देंगे। मार्किंग ऑलरेडी कर रखी है एज इट इज़ इसकी कटिंग कर दी है। अम्ब्रेला गाउन के टॉप पार्ट के इनर पार्ट और मेन पार्ट चारों पार्ट के एक साथ कटिंग कर ली है। अब गाउन के बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। बचे हुए फैब्रिक को 2 लेयर में फोल्ड कर लिया है। ये ओपन साइड है और इसके दूसरी साइड फोल्डेड साइड है। अब इसमें से ये वाला कॉर्नर उठाएंगे। फैब्रिक को ट्रायंगल की शेप में 4 लेयर में फोल्ड कर लेंगे। फैब्रिक को ट्रायंगल की शेप में 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है। इसका एक साइड फोल्डेड साइड है और दूसरी साइड ओपन साइड है। अब गाउन के बॉटम पार्ट के ऊपर टॉप पार्ट सेट करेंगे। टॉप पार्ट को सेंटर से फोल्ड कर लेंगे और बॉटम पार्ट के ऊपर सेट कर लेंगे। अब टॉप पार्ट के बराबर मार्किंग कर लेंगे। टॉप पार्ट के बराबर मार्किंग कर ली है। अब इंची टेप की हेल्प से राउंड शेप में मार्किंग कर लेंगे। अब इस कॉर्नर पर टेप रखेंगे और मार्किंग तक इसकी लेंथ 10.5 इंच है, तो कॉर्नर पर टेप को फिक्स ही रखेंगे और 10.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब सारे पॉइंटों को मिला लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। गाउन के बॉटम पार्ट की कमर की मार्किंग कर ली है। अब गाउन के बॉटम पार्ट की लेंथ की मार्किंग करेंगे। जैसे गाउन की रेडी लेंथ है 54 इंच, 14 इंच टॉप पार्ट का माइनस करेंगे तो 14 इंच आएगा, प्लस 1 इंच करेंगे मार्जिन के लिए, वह दोनों साइड सिलाई में चला जाएगा। तो 41 इंच पर गाउन के बॉटम पार्ट की मार्किंग कर लेंगे। कमर की मार्किंग पर टेप रखेंगे और 41 इंच पर मार्किंग कर लेंगे।
कमर की मार्किंग पर टेप रखते जाएंगे और 41 इंच पर मार्किंग करते जाएंगे। इस तरीके से मार्किंग करने से गाउन की लेंथ चारों तरफ से बराबर रहेगी, कहीं से भी छोटी बड़ी नहीं होगी। गाउन के बॉटम पार्ट में मार्किंग कर लिया, अब सारे पॉइंटों को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। गाउन के बॉटम पार्ट के दोनों मार्किंग कर लिए, अब दोनों मार्किंग से एज इट इज इसकी कटिंग कर देंगे। साइड से बचे हुए फैब्रिक को निकाल देंगे। अब गाउन के बॉटम पार्ट में जॉइंट लगाएंगे तो बचे हुए फैब्रिक को गाउन के ऊपर हाफ इंच रखेंगे, वो फैब्रिक सिलाई में चला जाएगा। जॉइंट फैब्रिक को गाउन के फैब्रिक पर पिनअप कर लिया है। नीचे वाले फैब्रिक को फिंगर की हेल्प से फील करते जाएंगे और मार्किंग करते जाएंगे। अब सारे पॉइंटों को मिला लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज़ इसकी कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है, जॉइंट के दोनों फैब्रिक के बीच में फोल्ड आ गया है, इसको कट कर देंगे। बॉटम पार्ट के फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर रखा था, तो इसमें से बॉटम पार्ट के फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों की एक साथ कटिंग कर ली है। अब गाउन के बॉटम पार्ट के लिए इनर की कटिंग करेंगे। बचे हुए इनर फैब्रिक को 2 लेयर में फोल्ड कर लिया है, इसका एक साइड फोल्डेड साइड है और दूसरी साइड ओपन साइड है। अब इसमें से ये वाला कॉर्नर उठाएंगे और फैब्रिक को ट्रायंगल की शेप में 4 लेयर में फोल्ड कर लेंगे। चारों तरफ से फैब्रिक को सेट कर लेंगे। अब इसके ऊपर गाउन के बॉटम पार्ट को सेट कर लेंगे। फोल्डेड साइड फोल्डेड वाला पार्ट रख लिया है। कमर की साइड से मेन फैब्रिक के बराबर मार्किंग कर लेंगे। अब मेन फैब्रिक को हटा लेंगे, कमर की मार्किंग को डार्क कर लेंगे। इनर फैब्रिक पर कमर की मार्किंग कर लिया है, अब इनर फैब्रिक की लेंथ की मार्किंग करेंगे। मेन फैब्रिक के बॉटम पार्ट की लेंथ 41 इंच पर कटिंग करी थी, इनर फैब्रिक की 3 इंच कम मार्किंग कर लेंगे। 41 इंच में से 3 इंच माइनस करेंगे तो 38 इंच आएगा। कमर की मार्किंग पर टेप रखेंगे और 38 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। कमर की मार्किंग पर टेप रखते जाएंगे और 38 इंच पर सारी मार्किंग कर लेंगे। इस तरीके से मार्किंग करने से चारों तरफ फैब्रिक बराबर रहेगा, कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं होगा। गाउन के इनर फैब्रिक पर लेंथ की मार्किंग कर ली है, अब सारे पॉइंटों को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जैसे मार्किंग कर रखी है दोनों मार्किंग से एज इट इज कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे, बचे हुए फैब्रिक में से जॉइंट अटैच कर लेंगे। जॉइंट फैब्रिक को हाफ इंच इनर फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और सेम जॉइंट की कटिंग कर लेंगे। अब इसको ओपन कर लेंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर रखा था तो इनर फैब्रिक के दोनों पार्ट की एक साथ कटिंग कर लिया है। अब स्लीव्स की कटिंग करेंगे, फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है, ये ओपन साइड है और इसके दूसरी साइड फोल्डेड साइड है। चूड़ीदार स्लीव्स की कटिंग करेंगे, स्लीव्स की रेडी लेंथ 22 इंच है, उसमें 4 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे चूड़ी बनाने के लिए तो 26 इंच आएगा, प्लस 1 इंच करेंगे मार्जिन के लिए, वह दोनों साइड सिलाई में चला जाएगा। तो स्लीव्स की लेंथ 27 इंच पर मार्किंग कर लेंगे, यहाँ पर टेप रखेंगे और 27 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। विड्थ 10 इंच पर मार्किंग कर लेंगे, दूसरी साइड से भी 27 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब दोनों पॉइंटों को मिला लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ओपन साइड से आर्मोल के लिए 3 इंच डाउन मार्किंग कर लेंगे और फोल्डेड साइड से स्लीव्स के आर्मोल की शेप देते हुए मार्किंग कर लेंगे। पहले रफली मार्किंग करेंगे, उसके बाद मार्किंग को डार्क कर लेंगे। अब स्लीव्स की बॉटम साइड से मार्किंग कर लेंगे, स्लीव्स की बॉटम साइड से लेंथ 4 इंच पर मार्किंग करेंगे। 4 इंच पर स्लीव्स की लेंथ की मार्किंग करेंगे और 2 इंच पर मार्जिन की मार्किंग कर लेंगे। अब दोनों पॉइंटों को मिला लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जैसे स्लीव्स की मार्किंग कर रखी है एज इट इज़ इसकी कटिंग कर देंगे। साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे, अब स्लीव्स को ओपन कर लेंगे। स्लीव्स की अंदर की साइड दोनों उल्टी साइड है तो स्लीव्स के फ्रंट साइड से हाफ इंच की कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स के अंदर की साइड दोनों उल्टी साइड है, अब स्लीव्स के फ्रंट साइड से हाफ इंच की कटिंग कर लेंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर रखा था तो दोनों स्लीव्स की एक साथ कटिंग कर ली है। अब फ्रंट नेक की कटिंग कर लेंगे, फ्रंट नेक की लेंथ 6 इंच पर मार्किंग करेंगे। आर्मोल साइड से 3.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और नेक की शेप की मार्किंग कर लेंगे। पहले रफली मार्किंग करेंगे, उसके बाद मार्किंग को डार्क कर लेंगे। फ्रंट नेक की मार्किंग कर ली है इनर फैब्रिक पर, अब जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज़ इसकी कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे, इनर फैब्रिक पर फ्रंट नेक की कटिंग कर ली है, अब इसको ओपन कर लेंगे। अब फ्रंट नेक की स्ट्रिप की कटिंग कर लेंगे, बचे हुए फैब्रिक पर 1-1 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब मार्किंग के सारे पॉइंटों को मिला लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज़ इसकी कटिंग कर देंगे। नेक की स्ट्रिप की कटिंग कर ली है, अब मेन फैब्रिक पर नेक की कटिंग कर लेंगे। नेक विड्थ सेम 3.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। नेक की लेंथ 3 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। पहले एक बॉक्स बना लेंगे, उसके बाद नेक की राउंड शेप में मार्किंग कर लेंगे। पहले रफली मार्किंग करेंगे, उसके बाद मार्किंग को डार्क कर लेंगे। अब जैसे मार्किंग कर रखे एज इट इज़ इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसको ओपन कर लेंगे। मेन फैब्रिक पर फ्रंट नेक की कटिंग कर ली है, गाउन की कटिंग कंप्लीट कर ली है। इसी तरीके से आप किसी भी साइज़ के गाउन की कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से।